थेरेपी का एक और कमेंट है कि क्या ये बच्चे जो है इनके लिए होम स्कूलिंग बेटर है या कुछ ऐसे नॉर्मल स्कूल में डालें, क्योंकि नॉर्मल स्कूल में अगर डालते हैं तो वहाँ बुलिंग के भी चांसेस हो सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट जो उनके कमेंट का है वो ये है कि क्या स्पीच थेरेपिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जिससे भी वो थेरेपी करवा लें, थेरेपी अलग रखें और स्कूलिंग अलग टाइम पे करें या एक ही टाइम पे दोनों काम कर सकते हैं। तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। अब ये चीज यहाँ पे प्रूव होती है कि अगर आपके कमेंट्स बहुत अच्छे हैं तो आपको कभी भी कितने भी वीडियोस मिल सकते हैं आपके कमेंट्स के ऊपर। हीलिंग थेरेपी के लिए ये बैक टू बैक तीसरा कमेंट है जिसके ऊपर वीडियो बन रहा है। आप भी अगर ऐसे कमेंट करते हो और आपके कमेंट कुछ ऐसे होते हैं कि जिससे मैं जानता हूं कि बहुत सारे पेरेंट्स को फायदा होने वाला है, जरूर ऐसे कमेंट कीजिए ताकि आप लोगों को भी उस पे स्पेशलाइज एक स्पेसिफिक वीडियो मिल जाए और सब लोगों की नॉलेज भी बढ़ जाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168792999 डायल कर सकते हैं, +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कंसल्ट कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट ईजिली मिलता है। और अगर टॉपिक पसंद आया तो फटाफट से लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। तो बात करते हैं, सबसे पहला जो उनका सवाल है कि क्या इन बच्चों को होम स्कूलिंग कराएं या वन टू वन सेशंस होते हैं। होम स्कूलिंग कराने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि सोशलाइजेशन, इन बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही सोशलाइजेशन की होती है। इसलिए अगर आप सारी चीजों के साथ, सारी एक्टिविटीज के साथ साथ सोशलाइजेशन पे शुरू से ही जोर देते रहेंगे तो आपके बच्चे के साथ बाद में जाकर के प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, वो आराम से मेन स्ट्रीम कर लेगा। इसलिए इसे नॉर्मल स्कूल ही कराने की कोशिश करें। और मैंने पहले आपको सुबह के वीडियो में बताया कि आप सबसे पहले किसी गली मोहल्ले वाले स्कूल को देखें जहां टीचर को ये होता है कि उसने अपने टाइम पास के लिए स्कूल चलाया हुआ है और वो आराम से 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा पास करना चाहती है और उसको लगता है कि 20-25-30 हज़ार रुपये महीने में भी आ जाए। तो गली मोहल्ला टाइप स्कूल आप प्रेफर कीजिए जहाँ पर यूजुअली लेडीज़ एक प्ले स्कूल खोल लेती हैं और उनके पास 15-20 बच्चे होते हैं, वो एफर्ट करती रहती हैं। पेरेंट्स का भी फायदा होता है, बच्चों को सोशलाइज करने को मिल जाता है, गेमिंग मिल जाती है, एक दूसरे के साथ उठना बैठना आ जाता है, वो सब चीज़ें हो जाती हैं। वो स्कूल आपके बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा क्योंकि उनको बच्चे की ज़रूरत है। उनको लगेगा कि यार कहीं गलती से ये बच्चा लूज हो गया तो महीने में मेरे 1-1.5-2 हज़ार रुपये चले जाएंगे, तो वो बहुत फोकस करने की कोशिश करेंगे आपके बच्चे के ऊपर। आप एक्स्ट्रा अटेंशन भी देने के लिए बोलेंगे उनको तो वो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेंगे बल्कि आपके बच्चे का बहुत ख्याल रखने की कोशिश करेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरी बात, अगर नॉर्मल स्कूल में जाते हैं तो बुलिंग के चांसेस है, बिल्कुल चांसेस है बुलिंग के, लेकिन आप टीचर्स को बोल करके रख सकते हैं, स्कूल के प्रोटोकॉल में डाल सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बोला, अगर आप पहले ऐसे स्कूल में भेजेंगे उसके बाद थोड़े से बेटर स्कूल में भेजेंगे फिर नॉर्मल ब्रांडेड स्कूल जिसमें आपका एम्बिशन है, जिसमें आपकी ख्वाहिशें हैं कि हम ऐसे स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं उस पर भेजेंगे तो फिर कोई हर्ज नहीं है, आपको ये सब चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप सीधा जंप लगाएंगे और सोचेंगे कि बेस्ट स्कूल में मैं डाल दूँ तो फिर आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। इसके बाद एक सवाल है आपका कि थेरेपी अलग टाइम पे हो और ट्रेनिंग जो है वो स्कूलिंग जो है वो अलग टाइम पे हो या सेम टाइम पे दोनों करने चाहिए। कोशिश आप ये करें कि अगर आप गली मोहल्ले के स्कूल में भेज रहे हैं 2-4 घंटे आपका बच्चा वहाँ पास करेगा, कुछ टाइम आप एक्टिविटीज कराएंगे, कुछ टाइम आप अपने साथ अटैच करके पूरी डे टू डे जो एक्टिविटीज करते हैं वो करते हैं। इसलिए आप जो नॉर्मल बच्चों के बीच में बैठाना है वो तो शुरू करा ही दीजिए साथ साथ, इससे बहुत बेनिफिट आपको होने वाला। हालांकि स्कूलिंग अगर आप प्रॉपर स्कूलिंग कराना चाहते हैं और चाहते नहीं कि पहले कहीं भेजा जाए तो बेटर ये है कि फिर आप 1-1.5-2 साल अपनी थेरेपी ही कंप्लीट कर लें, उसके बाद में ही आप स्कूलिंग की कोशिश करें। लेकिन ऐसे आप सारे काम साथ साथ कर सकते हैं और फिर बच्चे को बर्डन भी नहीं आएगा, उसका एनवायरनमेंट भी चेंज होता रहेगा, वो सारा दिन आपसे एक्टिविटीज करवा के भी बोर हो जाता है। इसलिए कोई ऐसी कोशिश ना करें कि आप बच्चे को सारा दिन खुद सोचें कि मैं पूरा दिन 10 घंटे की एक्टिविटीज करवा लूँ। आपको कोशिश करनी पड़ेगी 2-4 घंटे बच्चा किसी स्कूल में पास करके आए, जैसे मैंने बोला गली मोहल्ले वाला स्कूल, ऐसे किसी स्कूल में जा करके आए, उसके बाद वो आपसे मुझे थोड़ी सी एक्टिविटीज आप करें, पूरे दिन में 1.5-2 घंटे से ज्यादा एक्टिविटीज ना करवाएं, बाकी सारा टाइम अपने घर के कामों में उसको एंगेज करके रखें बजाय कि आलतू फालतू एक्टिविटीज करवाने के। एंड दिस इज द बेस्ट मूव विच यू कैन टेक। और इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो मुझे लगता है कि सारी क्वेरीज आपकी निकल जाएंगी और आप खुश रहेंगे कि यार कोई अच्छी एडवाइस मुझे मिली। मुझे लगता है कि आपको सारे सवालों के जवाब पेशेंटली मिल गए होंगे। अगर मिले तो वीडियो को भी लाइक कीजिए और लोगों को फॉरवर्ड भी कीजिए और अपना कमेंट जरूर डालिए कि आपको जवाब कैसे लगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।